यहां से अमेरिका 8-8 डॉलर भेजने का सिस्टम फिर से शुरू होने जा रहा है और यह शुरू होने जा रहा है 29 नवंबर से। जो जो नीली टिक वाले लोग हैं भाइयों, जरा सावधान हो जाएं। 29 नवंबर से ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर फिर से शुरू करने जा रहा है। क्या है पूरी डिटेल्स, ब्लू टिक रखने वाले आशीष चतुर्वेदी खुद ही बता रहे हैं। जी आशीष जी, क्या है अच्छी खबर आपके लिए? सर हमारे लिए तो अच्छी खबर नहीं है कुछ भी इसमें, लेकिन जिनके पास ब्लू टिक नहीं है इनके लिए अच्छी खबर है कि 29 नवंबर से आप 8 डॉलर दीजिए और ब्लू टिक ले लीजिए। काफी टाइम से इसका जो लोग इंतजार कर रहे थे कि होगा, लेकिन इसमें देरी सर इसके लिए लग रही थी क्योंकि कुछ जब पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च हुआ तो लोगों ने क्या किया कि अगर मान लिया आपको कोई फेक अकाउंट है तो उसमें ही आपके नाम से ब्लू टिक ले लिया, तो उसके चलते अगर आप देखें तो देरी देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सिस्टम इनके पास प्लेस में आ गया, तो 29 नवंबर से जो ब्लू टिक की सब्सक्रिप्शन सर्विस है ये शुरू हो जाएगी, लेकिन जो 9 नवंबर के बाद नए अकाउंट खोले जाएंगे उनको ये, ताकि फेक अकाउंट्स को रोका जा सके ब्लू टिक लेने से, तो 9 नवंबर के बाद से जो नए अकाउंट खोले गए उनको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। लेकिन सर इससे ज्यादा सुर्खियों में कि जिस प्रकार से इलॉन मस्क अपने कर्मचारियों पर सख्त हो रहे हैं, ये ज्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं ब्लू टिक से ज्यादा। कल देर शाम उन्होंने ट्वीट करके कहा है, और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं मीडिया रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने कर्मचारी को एक ई प्लेज भेजा है और इसमें कहा है कि या तो आप जो नया हार्डकोर ट्विटर है इसकी पॉलिसी के साथ सहमत हो जाएं, नहीं तो 3 महीने की सैलरी लेके आप यहां से जो है निकल सकते हैं। तो ये ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो नए फैसले हैं ये भी आजकल काफी ज्यादा बज़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जितनी भी कंपनीज के ट्विटर हैंडल्स है, जैसे हमारा भी पेज है तो उसके नीचे ऑफिशियल लिखा आता है, तो एक ये किया गया है। साथ में जो ब्लू टिक है, ट्विटर ब्लू है, कंटेंट मॉडरेशन एल्गोज में जो इस प्रकार से बदलाव किए गए ये भी काफी सुर्खियों में। अच्छा, तो ये सारे जो भी एम्प्लॉयज को जो भी कुछ कहना करना होता है उसके लिए ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते, ट्विटर से ही करते हैं। नहीं, इनको तो ईमेल भेज के ई प्लेज मांगा है। अच्छा, तो आप सहमत हो जाओ चले जाओ। अच्छा ओके। हाँ मैं पढ़ रहा था कि बोल रहे थे लंबे लंबे लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करना पड़ेगा, है ना? मिनिमम शायद महीने हफ्ते का 40 आवर्स बोल रहे हैं, बहुत कम है। 40 आवर्स क्या है सर? कुछ भी नहीं है, 8 घंटे दिन का, 5 दिन 8 घंटे दिन का। सारा ट्विटर दे लियो, हमारे 48 घंटे तो हम बैठे बैठे नॉर्मली निकलते हैं। और कितने सारे हमारे पैनल पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो चैनल पे जितना समय देते हैं उसके बाद 48 घंटे और काम करते हैं। तो काम करने के मामले में तो हम हिंदुस्तान के लोगों का मेहनत में तो मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे तो 40 घंटे भी ज्यादा लगते हैं। 40 घंटे ज्यादा लग रहे हैं लोगों को, काफी लोग छोड़ के चले गए, कितनों को निकाल दिया। अच्छा, और फिर क्या करेंगे ये लोग? सब दूसरी नौकरियां ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब मालूम है आजकल लाइव ट्विटर पे फायरिंग होती है, नौकरी से निकाल देते हैं वाइल्ड ट्वीटिंग, और ट्वीट से नौकरी से निकाल। अच्छा, ये भी चल रहा है वहां पर ट्विटर में। ट्विटर में एक दो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने इलॉन मस्क साहब की ट्वीट पर रिप्लाई किया कि आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट बाद वो कोई एरिक कन आया था, तो उसको उधर ही चलो। उधर ही जैन साहब, ये कोई विशेष टिप्पणी आपकी कि इन सब हरकतों के बावजूद इलॉन मस्क साहब कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, या इनकी वजह से बने? ये अभी थोड़े दिन पहले भी आपने ये सवाल या ऐसा कुछ जिक्र किया था, बट देखिए कुछ तो है, कुछ तो मैवरिक चीज कर ही रहे हैं दुनिया में और अलग ही हटके कर रहे हैं। सोच तो आउट ऑफ द बॉक्स के, आउट ऑफ द यूनिवर्स है जो सोच ला रहे हैं ये। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट यस, जो वर्किंग आवर्स जो बढ़ाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएस में मैं देखता हूँ कि भाई आप 4.5 दिन काम करते हैं, फ्राइडे के दिन भी हाफ डे होता है और सैटरडे संडे तो पूरा छुट्टी। हमारे यहाँ तो हम एक एक दिन में 11 घंटा 12 घंटा काम करते हैं और 5.5 दिन अच्छे से काम करते हैं। और प्लस मुझे याद है मैं कोई एक जने को जानता था कि पूरे महीने में 72 घंटा काम करना है और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस। ये बात कर रहा हूँ मैं प्री कोरोना और मतलब टोटल। तो इस तरीके का देखिए वो कल्चर को चेंज करना ये तो अच्छी चीज की है। बाकी ब्लू टिक के ऊपर जो पैसा ले रहे हैं ये थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है कि देखिए जिन लोगों ने इतने सालों से ट्विटर को यूज किया और इतने सालों से सिस्टमेटिकली यूज किया और आप अचानक से एक दिन आप चार्ज लगा रहे हो तो ये तो गलत है। फॉर्चुनेटली देखिए मेरा ब्लू टिक मुझे लास्ट ईयर मिला नहीं था, इस साल में और कुणाल जी कोशिश कर रहे थे कि संदीप जी अपन भी कोशिश करते हैं, तो ठीक है एक बार मैं तो बोला ठीक है 8 डॉलर बच गए महीने के, ज्यादा ठीक है बाद में देखेंगे। आप दोगे? नहीं मेरी तो मूड नहीं है अनिल जी। हाँ, दे मत देना। ठीक है, क्यों देंगे सर, अपन ठीक है अपने भगवान की दया से अपनी ब्रांड जी बिजनेस की वजह से आपकी वजह से अच्छी बनी हुई है। हाँ हाँ, कहाँ देना फालतू के चक्कर में, 8 डॉलर की तो आप पार्टी वार्टी कर लेना कोई भी अच्छे से देखिए। जी कुणाल जी जी।
अनिल जी इसीलिए तो, अनिल जी इसीलिए मैंने संदीप जी को बोला कि जो डॉलर वहां देने वाले हैं वो हमें भेज दें अनिल जी, चंदा करके सब लोग साथ मिलकर देंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान के कितने लोग देने वाले हैं। एक और चीज है जो मतलब भारी भरकम रखते हैं, चलो अपने तो कुछ एक लाख हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 10 20 25 50 लाख ट्विटर फॉलोअर हैं, वो तो उल्टा मांगने ले, बराबर है ना, बोला हमारी वजह से भी तो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके भी तो पैसे लेने बनते हैं ऐसे देखा जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखो आगे क्या कुछ होता है।